चौकोबार भैया 10 वाली नहीं है, 15 वाली, 20 वाली और 30 वाली। ऐसा हुआ था, हमने आइसक्रीम की बात करी तो 10 रुपए की एमआरपी थी और वो दे रहे थे 15 की। अब जो है यहाँ पर नहीं आने आगे वाले से मैं दूसरे ठेले पे देखता हूँ क्या प्राइस क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मजबूरी का फायदा उठाते। चौकोबार है 10 में 15, कौन से वाले दिखाइयो। स्वागत है आपका ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं काफी टाइम के बाद और आज ईद है, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज हम जा रहे हैं ईद के दिन घूमने के लिए, गुलर वॉच का डैम है काफी बड़ा है और सारे एरिया में पानी वगैरह है, वहीं पर जा रहे हैं। अनस बता देना यहाँ से कितना दूर है वो गुलर वॉच का डैम से? 2 किलोमीटर। 2 किलो? नहीं मजाक मत करो। गुलर वॉच का डैम कितना दूर है? क्या बोला तूने? 60 होगा, 40-50 होगा, 50-60 होगा, 50-50 तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर है। और बाकी इंशाल्लाह सब कुछ दिखाते हैं आपको सारा कुछ। पहले हमें एक जगह भी जाना मामू की तरफ ईद करने के लिए, उसके बाद में चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं 10 किलोमीटर तकरीबन, 10-15 मिनट में देखो टाइम, 20 मिनट हो गए क्योंकि पेट्रोल वगैरह पड़वाया है तो काफी टाइम लगा। और अनस भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सब। फ्रेंड देख सकते हो ये थोड़ी सी आगे जो आपको दिख रहा है सामने, ये यूपी और यूके यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है। ये यहाँ पर जो अभी हम चल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है और आगे उत्तराखंड लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नहीं लगा है भाई, देख सकते हो भाई जान ये जो है ये। देखो ये जो रोड आ गया ये अपना उत्तराखंड लग गया, जो वो ड्राम है गुलर वॉच का वो उत्तराखंड में है। ज्यादातर जितनी भी फेमस जगह है नैनीताल वगैरह, देहरादून, ये सारी चीजें उत्तराखंड में है, यूपी के जस्ट पास में। 1 घंटा चलने के बाद में हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं और देख सकते हो मैप में बस गुलर वॉच जो है वो 11 किलोमीटर रह गया, यानी कि हम 11:53 पे पहुंच जाएंगे। और गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं गुलर वॉच के डैम पे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं डैम पर, अब हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कितने एरिया में पानी है। तो भाई कोई बात नहीं है, ऐसे चक्कर में सैंडल में रहते हैं, गरीब है बस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नंगे पैदा हुए हैं क्या भाई? और क्या कपड़े पहन के तुझे पैदा हुए? और मरना भी है बस, एक कफन तो लेके जाना है। हाँ ये भी है, चलो अब चलते हैं, लाओ पानी दो क्या पहले थोड़ा सा। अनस मोल ले ले पैसे, पे दे तू वहीं मिलने तो। अनस फिर यहाँ पर ये क्या है? पार्किंग की स्लिप है। आज तो रोजा नहीं है। ओए बहाना पार्किंग, बाहर पार्किंग। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आना पार्किंग, अरे अनस अनस जागी है, ये वीडियो जागी जान पूछ के ना। हंसी मजाक हमें हंसी मजाक नहीं चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ बना दिया नया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया नया। हम तकरीबन काफी टाइम पहले आए थे, उस टाइम नहीं था, काफी टाइम क्या 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने हो गए तो मैंने मोबाइल लिया था तभी आए थे। अरे यार हाथों में ले लेना चश्मा भाई, आते हुए ले लोगे कुछ हो जाएगा कहाँ? अरे वो वाला बढ़िया लग रहा है, देख ये वाला देखूं। हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लग रहा है निशान। नहीं यार 130 है, हमें तो सिर्फ धोखा मिला हुआ, पूरे 100 रुपए देंगे, 100 रुपए का मिला है
बताना आप वीडियो में कैसा लग रहा हूँ। चले क्या भाई ऊपर चले टोपी उतारिए चश्मा चले दिशान चल यार सीढ़ियाँ बढ़िया कहाँ हाँ गिन रहे गिनने का टाइम है लिफ्ट नहीं अरे भाई वो सुनी ही चढ़ा जा रहा है गांव क्या तभी तो देसी है ध्यान रख लियो देखूं देसी गांव तो सड़क हुआ लग रहा है गांव में बहुत क्या हवा पानी बहुत देख सकते हो आप अरे बड़ी दूर ले जा रहे ना और वहां से होंगे नाव में चलो नाव में चले पहले भाईजान यार देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे यूट्यूब पे भी डालनी है संभाल लियो यार असल में जमीन भी मेरे हिस्से में आ रही है सब अच्छा क्यों टिकट यार मैं अपने पापा को बोलता हूँ तुम समझ लियो खुद ही ये बोलना ही ब्लॉग ना मैं चश्मा बोर्ड में लगाऊं तो भाईजान यहाँ पर हमने टिकट ले लिया है अच्छा यहाँ पर देना पड़ेगा टिकट मुझे भी दिखा अच्छा वहाँ देना पड़ेगा वाह ले भाई तू भी आ जा यार ठीक है आ गया और कुछ अरे निशान यार इसमें ये खतरा आप अपने वहां जाते ना वो देखिए वो टहल ना रहे हैं वो देख वो यहाँ तक घुमा गई है खमा खा पूरे एरिया में पानी ही पानी है काफी हद तक कैसे पीने की है मैं वीडियो बना रही हूँ ना साथ में ये ना रुक रहा अपने पापा का इकलौता हूँ सारी जमीन मेरे नाम में आ गई ये फंस गया सी है बेटे दो हो उसका अर्ज ले जाएगा सब मुझे एक पहना दिया का जैकेट और होता यार एक ही काफी है एक काफी है न डूबेंगे अरे अरे कसम से ये तो ऐसा लग रहा हो ले भाई वीडियो बननी है साथ में फोटो भी ले लूंगा मैं अरे यार अरे रुको तो मैं जो हूँ भाई अरे तो गाइस यहाँ पर हम स्टार्ट हो चुके हैं क्या हाफिजी जी बैठे हमारे सामने सुबह लगी मोटरसाइकिल भी है और पानी पानी है और वीडियो बन रही है पूरे इलाके की अच्छा बैठ जाओ आप खड़े मत रहो अरे पानी क्या बोलती पब्लिक क्या भाई अरे क्या भाई और दे सकते हो काफी इलाका कहाँ तक भाई ये पानी पानी है पर अंदर पानी पानी है और मजा भी आ रहा है डर भी लग रहा है थोड़ा सा लेकिन ये जैकेट जो पहना दी इन्होंने इसकी वजह से डूब नहीं पाएंगे लेकिन पानी बहुत है आपको क्या बताऊं एक्सप्लेन करूं कि जल का हुआ बैठा ये और अगर मोबाइल गिर गया तो समझो गया अरे यार मेरी भी बना दे और देखो यहाँ पे वजन कम हो गया ये अनंत पीछा हो गया वजन कम हो गया वजन बंद तो रही हो क्या तो बनेगी हम बना गाड़ी में तेल खत्म हो चुका है पानी खामोश हो गया शाम 10 मिनट हो गए तो यहाँ पर नाव की सवारी कर ली है डर भी लगा उसके अंदर तो बता देंगे अरे यार पे यार एक वीडियो बनानी थी यार पर अरे चल वीडियो मत बनाइए
आज ईद का माहौल है तो काफी भीड़ है यहाँ पर, क्यों? ये है, ये बात हक है, क्योंकि ज्यादातर ईद पर ही लोग आते हैं, कोई फंक्शन वगैरह होता है तब आते हैं, कुछ इवेंट वगैरह। आइसक्रीम चार दे दो, चार ही तो ले लो। चोकोबार अच्छा होता है इसका, बादीलाल यार ब्रांड है यार, देख रहे हो इंटरनेशनल। चोकोबार भैया 10 वाली नहीं है, 15 वाली, 20 वाली और 30 वाली। और उसके आइसक्रीम वाले, ए कैब मुझे बात करने दी आइसक्रीम वाले। हाँ तो गाइस यहाँ पर ऐसा हुआ था, हमने आइसक्रीम की बात करी तो 10 रुपए की एमआरपी थी और वो दे रहे थे 15 की। अब जो है यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं, आगे वाले से मैं दूसरे ठेले पे देखता हूँ क्या प्राइस के क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अरे भाई साहब सतनाम भाई की बात होगी, चुप जा चुप जा। 10 रुपए की एमआरपी है उस पे, मैक्सिमम रेट प्राइस, और वो दे रहे हैं 15 की। अब ये देखते हैं यहाँ पे कैसे जाता, ठीक है मैं वीडियो शूट करता हूँ चुपके से। चोकोबार है 10 में, 15 कौन से वाले दिखाइयो, ये वो ये 10 रुपए की एमआरपी पड़ोगी इस पे। इसकी ले ले बस, चलो। अरे आओ कैफ, इनसे ऑरेंज दे, बाकी चलो ऑरेंज खा ले रहे। ना मैं ना खाता हूँ, 15 में दे रहे हैं, ऑरेंज ना खाता हूँ मैं, ये सारा सारा गलत है, मजबूरी बता रहे हैं अपनी, यहाँ खड़े होने में देने। सही बात है, तो यहाँ देने पड़ते हैं, ऊपर से हमारा तुम्हें देने कैसे पड़ते हैं, तो मेरे एक बात समझ नहीं आ रही है ना, यहाँ साफ सफाई वाले हम चुप लगाते हैं, दुकानदार सब मिलते हैं। अच्छा अरे स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और क्या कह रहे हो, मगर कपड़े कैसे पहने यार, कौन कपड़े खराब है, अरे पहन लिए मगर छोटा सा उसमें मूत ले, सब मूत रहे होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अगर स्विमिंग पूल में जाओगे तो बता दीजिए, मुझे बहुत तेज का पेशाब लग रहा है। अरे फोटो तो खींच दे, इधर को फोटो खींच दे, और यहाँ वीडियो बननी है, ब्लॉग बननी है, देख सकते हो काफी नजारा काफी बढ़िया है। तो फिर यहाँ पर पकौड़ी ले ली है, अब जो है ये वहाँ जाकर छाई में, कहीं छाई में जाकर इसको बैठ के निपटाएंगे। चलो दिशान, कैफ कहाँ, कैफ कहाँ, कैफ कहाँ है, कैफ कहाँ है। तो फ्रेंड यहाँ पर घूम चुके हैं, शाम भी होने लगी है हल्की हल्की, और अब जाने की तैयारी हो रही है। क्या हजरत पहन रहे हो, फोटो खींच के दे। अच्छा फोटो खींच के दे, तो धूप ज़्यादा है, धूप के वजह से जो है घूम नहीं पाए दादा, तो चलते हैं अब घर। घर जाने में काफी टाइम भी लगेगा, एक डेढ़ घंटा लगेगा बाकी। अरे हाँ गार्डन में एक दो फोटो ले लेते हैं क्या भाई, तो उधर चले स्विमिंग कूदो, फोटो खींचो मरो। ना 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 ए चलना यार, क्या करना, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू ब्लॉग के साथ, तक के लिए पानी थोड़ा थोड़ा होगा, बल्ले बल्ले, बाय बाय यार। देख मिनाकर यहाँ पे पार्टी करी जा रही है, बीच रास्ते में रुक के